जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी एक जिंदगी होती है। ये जिंदगी है एक जवान की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एक जवान जो अपनी ड्यूटी करता है बॉर्डर पे। मुझे पता है आपको इनके बारे में ज्यादा शायद कुछ ना पता हो, पर यकीन है आप जरूर और जानना चाहते होंगे। वेल व्यूअर्स, यू हैव जस्ट विटनेस्ड एन ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। For a country like India, it is very much important to have a good pair of eyes and ears to ensure sanctity in the international borders. Well, ladies and gentlemen, good evening. Myself Unmesha Gautam Adhyapak. और मैं प्रतीक भराली आपका स्वागत करता हूँ दूरदर्शन के ये बिल्कुल नए प्रोग्राम में, जिसका नाम है जरा याद करो कुर्बानी, a program dedicated to the armed forces of our country. अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ी को हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ता है। रिवर पेट्रोलिंग के दौरान कई घंटों तक इनकी यात्रा जारी रहती है। यूं तो आम परिस्थितियों में नदी खुद गैरकानूनी गतिविधियों के लिए बाधक बनी रहती है, पर इंडो बांग्ला बॉर्डर पर परिस्थिति थोड़ी अलग है। गौ तस्करी सीमांत पर एक बड़ी समस्या है। नदी के रास्ते तस्कर गायों को पार करने की कोशिश करती रहती है। इन्हें पकड़ने के लिए फोर्स को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। दुश्मन किसी भी रास्ते से आ सकता है। मवेशी तस्करी और दूसरे अपराध सीमाई जिलों में बड़ी चुनौती है, पर बीएसएफ द्वारा लगातार अभियान और चौकसी के चलते गौ तस्करी की घटनाएं 75% तक कम हुई है। जहां पहले साल में 20 से 22 लाख गायों की तस्करी होती थी, वो अब घटकर 4 से 5 लाख तक आ गई है। 1.5 बिलियन का ये अवैध कारोबार घटकर 250 मिलियन तक आ गया है। नदी के रास्तों पर बढ़ती पहरेदारी के चलते अब तस्करी करना मुश्किल होता जा रहा है। बीएसएफ ने स्थानीय लोगों का विश्वास जीता है। स्थानीय लोगों की मदद और बीएसएफ की चौकसी इस अवैध कारोबार को रोकने में सफल हो रही है। बांग्लादेश सरकार भी बेहतर सीमांत प्रबंधन और सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। हम इस वक्त बाराबंकी में हैं, मेघालय के भारत बांग्लादेश बॉर्डर का इलाका। बॉर्डर आउटपोस्ट किसी भी देश की सीमा पर उस राष्ट्र द्वारा स्थापित की जाती है। इसका काम होता है सीमांत की निगरानी करना। जरूरी नहीं है कि सीमा के उस पार के राष्ट्र के साथ दोस्ताना संबंध हो। ऐसे सीमांत इलाकों की निगरानी बॉर्डर गार्ड्स करते हैं।
सभी बॉर्डर आउटपोस्ट रेडियो कनेक्टिविटी के जरिए हेडक्वार्टर के संपर्क में रहते हैं। हर दिन की खुफिया सूचना और गतिविधियों से हेडक्वार्टर को अवगत कराया जाता है। देश के भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये बॉर्डर आउटपोस्ट पहाड़, नदी, निर्जन स्थान या राजनीतिक महत्व वाले सीमा पर अवस्थित होता है। विशेष रणनीति के तहत बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकेशन तय किया जाता है। भारत बांग्लादेश सीमांत पर 1200 बीपीओज हैं, जो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में स्थापित किए गए हैं। 508 और बीपीओज की स्थापना की जाएगी ताकि सीमा पर से होने वाली तस्करी, घुसपैठ और मवेशी तस्करी पर पूरी तरह से लगाम कसा जा सके। So first, I would want to know from you, what is the role of the border security force in safeguarding the borders of our country? Basically two roles. Wartime, we fight along the army shoulder to shoulder. A lot of people believe that the BSF falls back and the army takes over. It is nothing like that. The army reinforces the BSF and we stay there. True. So we fight shoulder to shoulder with the battle in war situation. And I was part of Operation Parakram, where I was given an independent subsector to command, otherwise the privilege of an army colonel. Mm-hmm. So that's how we work in wartime. Peacetime, transborder crimes, check transborder crimes fundamentally. Apart from that, we have a role during disaster management, IS duty, internal security. We fought militancy in Kashmir for many years. Mm-hmm. Then we are presently in the Naxal theater. Other law and order duties, election duties. So name a security issue and BSF is there. Wonderful, sir. And also I would want to know from you, what is the role of a BOP? Basically, check transborder crimes. That is prevent smuggling, intrusion, infiltration, and all kinds of transborder crimes, cross-border crimes. Apart from that, during wartime, the BOPs are reinforced. And the BOPs stay there, the men stay there, it is converted into Adam bases, and we fight in war from there. भले ही कांटीले तार का बेड़ा दो देशों की जमीन को बांट देता है, पर बांग्लादेश के लोगों का अवैध रूप से आना जाना लगा रहता है। बॉर्डर के जरिए भारत से पशु, खाद्य सामग्री, दवाई, ड्रग्स आदि की तस्करी जारी रहती है। इसके अलावा बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की कोशिश हमेशा जारी रहती है। बांग्लादेशी नागरिकों की लगातार घुसपैठ की कोशिश बॉर्डर में रोकना एक बड़ी चुनौती है। फुट पेट्रोलिंग की बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ती है। दिन में बॉर्डर एरिया में गश्ती अंतरराष्ट्रीय सीमांत की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बीएसएफ गैर कानूनी गतिविधियों को लगातार रोकती है। इसे सीमांत इलाकों के आसपास रहने वाले देश के नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है। दिन में पेट्रोलिंग के चलते सीमांत पर आपराधिक वारदात, घुसपैठ, तस्करी आदि जैसे क्रिमिनल गतिविधियों को रोकती है हमारी बीएसएफ। एक महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल की ड्यूटी एक समान होती है। पुरुष कांस्टेबल द्वारा निभाए जाने वाले हर वो काम महिला कांस्टेबल के लिए भी अनिवार्य होता है। जाहिर है रात को भी महिला कांस्टेबल गश्त लगाती है। बीएसएफ ने सन 2009 में महिला कांस्टेबल की भर्ती शुरू की थी। उनकी तैनाती पंजाब और बंगाल के बॉर्डर पर की गई। मौजूदा 2000 महिला बीएसएफ की कमांडो ट्रेनिंग
ले रही है। हाल ही में यूपीएससी के जरिए बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडो रैंक में 27 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई। महिलाओं के बीएसएफ से जुड़ने का फायदा यह हुआ है कि बॉर्डर पर महिला अपराधियों की संख्या काफी घटी है। बॉर्डर इलाके के गांव में महिला गार्डों की उपस्थिति भी परिवेश को बदलने में मददगार साबित हुई है। One very wonderful thing, we went to the BOPs very recently. We have seen a lot of women soldiers in the troops now. And I've heard from a lot of the other officers, a lot of women are now taking interest to join the forces. So what would be your message to all the youngsters who will be watching this show? Should they go ahead and join the Border Security Force? First of all, let them be no difference between men and women. And you'll be surprised to know that the women train along with the men in the battalion training, in during sports. When you go to the gym hall in the evening, which we have down below, you find the girls training, doing all the exercises with men. And we see no difference. Yes, there are some physical fitness aspect, of course there is a difference, but they are better in a lot of areas, better than men. True, sir. So they are at par, and the message is, come join the forces. बांग्लादेश भारत सीमांत को स्थानीय तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर या आईबी के रूप में जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और भारत के बीच 8 सीमांकन क्षेत्रों से गुजरती है। दोनों देशों की सीमा क्षेत्र की लंबाई कुल 4048 किलोमीटर है, जो पहाड़ों, घने जंगलों, मैदानी और नदियों के इलाकों से गुजरती है। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लंबी सीमा क्षेत्र है। असम में 262 किलोमीटर, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर, मिजोरम में 180 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर और बंगाल में 2217 किलोमीटर सीमा क्षेत्र बांग्लादेश को छूती है। सीमा क्षेत्र का विभाजन पिलर और फेंसिंग के जरिए किया गया है। द लैंड बॉर्डरिंग एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच 7 मई 2015 को किया गया था। अभी भी कुछ क्षेत्र में फेंसिंग का कार्य शेष है। दूर से देखने पर इंटरनेशनल बॉर्डर की निरवता किसी को भी असमंजस में डाल देगी, पर नजदीक आने पर आपको काफी हलचल दिखाई देगी। सीमांत पर छोटे छोटे बाजार देखेंगे, जिन्हें हाट कहा जाता है। ये व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र हैं। सीमा की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात बीएसएफ की जिम्मेवारी है इन हाटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। Viewers, right now I'm standing at the Bormonbari BOP of the Border Security Forces. The very beautiful aspect of this place is the border hut, where people of both these countries, which is India and Bangladesh, they come together and they sell their predominantly agricultural products, which helps the people of both these countries to share commerce, trade and friendship. Umesha is right there at the hut, so let's go check it out. Thank you so much, Prateek. And yes, right now I'm standing in the middle of the border hut, which happens every Tuesday in Balat. And yes, we can see hundreds of people around who is coming from the nearby villages to come and sell their products. तेज अर्थव्यवस्था के केंद्र इन हाटों में दोनों देशों के ग्रामीण व्यापार करने आते हैं। मौजूदा भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर ऐसे 4 हाट हैं। 2 मेघालय के कलाईचर और बालट में और 2 त्रिपुरा के श्रीनगर और कमलनगर में। सीमांत पर व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर हाट और एकीकृत चेक पोस्ट लगाया गया है। इन हाटों में भारतीय रुपए और बांग्लादेशी टाका के लेन देन की अनुमति है। विनिमय प्रथा भी चलती है। हाट प्रबंधन समिति व्यापारिक लेन देन का डेटा संभालती है। ngiyo ke jing mentoi namar ngiyo banwandi ki marap ki jongi ki bami na kanika
locality jongi kan te lada amdan kan ke yo bodan ki mar jongi ki khanduna ke jengya re lengba kan ke yo ni yo ban peniat lut kan ki jengmi na ki klau jongi kumukwai tempo sala terpat bat kiwe kiwe border heart ka uddeshy hai दोनों देशों की सीमा के आसपास के इलाकों के लोगों के लिए बाजार उपलब्ध कराना। Right now I'm standing at the border hut and I have two traders, two very young traders from the hut, and they are going to share some information with us. First of all, I would like to know your name. My name is Gautam. Rantu. Okay, Gautam, I would want to ask you, how long have you been associated with this border hut? For last 3 years. And how your experience has been in these 3 years? Quite good. Quite good experience. All right, and I want to ask you, doing business and trading at the border hut, how does it help you? Help you means many sense. Many sense it helps. It helps many sense because per weekly I get 1,200. The last I have done 3 years. It's quite benefit. Wonderful. And as you would know, the BSF plays a very important role. So what would you like to say about that? First of all, I say because without BSF we can't do this. We can't run our business. Our business and hack. BSF is doing well, their duty and discipline, maintain discipline. That's all. So right now I am with Arpana Sangma ma'am, and ma'am, I would like to welcome you to our show, and we are having a question for you. So how do you ensure safety for the females in this area? First of all, I would like to say, as compared to men and women, women are approximately more coming out here for trades and markets. And I would like to say that for in question of security, we do frisking, first of all, checking and all, so that no arms and ammunition are carried by anyone, plus any other unauthorized product. So we checked in details and we do everything which is required in the border. सुबह होने को है, कुछ ही देर बाद सूर्य की किरणों से प्रकाशित होगी धरती। जादूकाटा नदी सूर्य की किरणों की आभास से जिलमिलाने लगी है। शांत वातावरण, मोहक परिवेश पर जादूकाटा गोमती घाट स्थित बॉर्डर आउटपोस्ट में अलग ही गतिविधियां चल रही है। एक नए दिन की चुनौती के लिए तैयार हो रहे हैं बीएसएफ के जवान। जैकबूट से लैस जवान दिन भर की गतिविधियों के लिए अब निकलने वाले हैं। एक दो करते सामने देख, अगला व्यायाम नमूना काम। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ बीओपी गुमाघाट ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे जवान जो हैं ऑलरेडी अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देते हैं, और अभी यहाँ पे एक ड्रिल हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जवान तो ऑलरेडी इतने फिट हैं, क्या मुझे भी अपनी फिटनेस देखनी चाहिए? तो चलिए देखते हैं मैं कितना फिट हूँ, आज इनके साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज मैं भी करूँगा। Bend, stretch, bend, stretch, bend, stretch. Well, ये तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन hats off to the jawans for being so fit. And तो चलिए अब जानते हैं कि इस फिटनेस का राज क्या है और इनके इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं। आइए। मैं आपसे जानना चाहूंगा और सारे दर्शकों के लिए कि ये जो फिटनेस है हमारे जवानों का, इसके लिए आप किस तरह से इनकी आप ड्रिल करवाते हैं और इनका फिटनेस का राज क्या है?
इसके लिए हम सर सुबह पीटी और योगा और शाम को गेम वॉलीबॉल गेम, तो ये कंटिन्यू हमारा चलता रहता है प्रत्येक दिन। तो इससे जो है हमारा फिटनेस मानसिक संतुलन मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों से ये फिट रहते हैं हमारे जवान। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं बीएसएफ के जवान ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी और कामनेस भी बहुत ज़रूरत है, और इन इंटरनेशनल बॉर्डर के स्ट्रेसफुल माहौल पे ये इनसे करवाया जाता है रेगुलर योगा क्लासेस के थ्रू। तो आइए जानते हैं योगा के बारे में और कुछ इन्हीं के इंस्ट्रक्टर से। आप हमें ये बताइए कि आप इन जवानों को किस तरह से ट्रेन करते हैं और योगा की कितनी आवश्यकता है इन जवानों को। सर, हमारे जवानों को योगा की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन हमारे को टाइम तो इतना नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी हमारे जितना भी मिनिमम टाइम मिल पाता है उतने हम जितनी भी हमारी कंपलसरी एक्सरसाइज हैं जो हमारे को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं एक्सरसाइज को हम रेगुलरली रिवाइज कराते रहते हैं। जैसे कि हम अपने मेंटली एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं, जितनी भी ब्लड प्रेशर वगैरह, जितनी नॉर्मल अधिकतर जितनी बीमारियां चल रही हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए जितनी भी हमारे मुमकिन एक्सरसाइज वगैरह होती हैं उनको हम रेगुलरली उनको एक्सरसाइज कराते हैं। After a quick workout session and the yoga session, our jawans has just started for the day. Right now they are playing volleyball, as you can see here. The senior officers and even the new recruits, they come together to enjoy a game of volleyball, promoting sportsmanship. So, thodi masti ho jaye. चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स का कितना इम्पोर्टेंस होता है एक जवान के लाइफ में। आप वॉलीबॉल तो अभी खेल रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। सर, मेरा फेवरेट स्पोर्ट यही है वॉलीबॉल, जो कि आप देख रहे हैं हम डेली खेलते हैं, जो भी हमें टाइम मिलता है अपनी ड्यूटी के बाद। पूरा दिन तो ड्यूटी में रहते हैं, शाम को लगभग थोड़ा सा टाइम मिलता है हमें 4 बजे के करीब, तो हम ये यहाँ पे अपना जो है स्ट्रेस वगैरह खेलने से दूर करते हैं। सर, किसी भी परिस्थिति में शह और मात के लिए तैयार रहती है बीएसएफ। शत्रु के निशाने पर रहने के बावजूद खेल को पलक झपकते ही बदलने में माहिर होती है बीएसएफ जवान। वीर बीएसएफ जवान कार्रवाई के लिए तैयार है। एक ऑपरेशन को अंजाम देने के पीछे होती है पूरी तैयारी और बुलंद हौसला। आप लोगों को पता है अभी क्या कार्रवाई करनी है? वाले प्लाटून के ऊपर अटैक हुआ है, बांग्लादेश से उग्रवादी आकर के अटैक किए हैं। अभी हमारे को वहाँ पर जाकर के उनको सपोर्ट देना है और वहाँ से उग्रवादी को पकड़ना है हमें। माउंट होंगे सर, नंबर 2 प्लाटून जरूर के ऊपर माउंट होंगे, 3 प्लाटून एक बार माउंट होंगे। Thank you.
From an exciting game of volleyball to operational preparedness, our jawans are always ready to go. BSF में कमांडो की श्रृंखला का त्रुटिहीनता से पालन किया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्स को निर्णय और जवाबदेही की अनुशासन वाली फोर्स बनाता है। पूर्वोत्तर भारत की शिलांग स्थित बीएसएफ के फ्रंटियर हेडक्वार्टर को शक्तिशाली किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। सामरिक बल की संख्या बढ़ाना वक्त का तकाजा है। बॉर्डर पर इमरजेंसी के दौरान दूसरे फोर्स की मदद ली जा सकती है, पर खुद का मजबूत होना जरूरी है। अभी अभी आपने देखा कि किस तरह फ्रंटियर हेडक्वार्टर शिलांग से रीइंफोर्समेंट जाती है बीओपीज में, और इसी प्रॉम्प्टनेस को और इसी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को देख के वाकई गर्व होता है। इन केस ऑफ एन इवेंचुअलिटी, हाउ क्विकली द रीइंफोर्समेंट्स आर मूव्ड फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स टू द बीओपीज? वी हैव हेलीपैड्स ऑन द फॉरवर्ड लाइन नंबर ऑफ प्लेसेस, सो द एयर एफर्ट कैन बी देयर से एन आवर्स टाइम, but if you have to move huge columns, then 2 to 4 hours on our borders. 2 to 4 hours. Yes. आदमी और मशीन, एक घातक जोड़ी। प्रचुर मात्रा में हथियार और गोला बारूद का व्यवहार कर बीएसएफ जवान कड़ी ट्रेनिंग पार कर चुके होते हैं। ट्रूप्स को सभी जटिल हथियारों को आसानी से चलाने में महारत हासिल हो चुकी होती है। त्रुटिहीन ड्रिल की जाती है। बीएसएफ के नीति के तहत कार्रवाई का पालन होता है। बंदूक से निकली गोली टारगेट की धज्जियां उड़ा देता है। Weapons are the major advantage in any warfare, and Border Security Force is well equipped with all the latest arms and ammunition so that at any point of time they can take the battle to the enemy camp. मैं गवा रहा हूं। तय समय सीमा के भीतर ट्रेनिंग या ड्रिल खत्म की जाती है। देखने वाले ही समझ सकते हैं युद्ध जैसे हालात से कितनी कुशलता से ये निपटती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में तैनात एक सशक्त बल। देश की सीमा में शांति के दौरान सीमाई इलाकों की निगरानी और अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण इन्हीं के कंधों पर होती है। 1 दिसंबर सन 1965 में इस पैरामिलिट्री फोर्स का गठन किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले इस फोर्स का मोटो है, एनी टास्क एनी टाइम एनी वेयर ड्यूटी ऑन टू डेथ। समर्पण की भावना से लैस बीएसएफ को भारत बांग्लादेश सीमांत पर हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मवेशी तस्करी रोकना बीएसएफ के लिए एक बड़ी चुनौती है। सन 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में अपने शौर्य का परिचय दिया था। आज सीमा सुरक्षा बल दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बन चुका है।
बीएसएफ का चरित्र ही है। कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, कोई भी कार्य। अपनी निरंतरता के चलते आज बीएसएफ देश का सबसे भरोसेमंद और दायित्वशील फोर्स बन चुका है। We have been interacting with a lot of jawans lately. We have seen the lifestyles of the jawans, and it's very hard. They go through trainings, they go through operations, and also they live away from their families where there's no network. It's very hard for them to talk to their near and dear ones. Still, I have seen the motivation in them. So in that case, how do you keep the morals boosted, sir? First of all, it starts with the selection. The men with that kind of an aptitude is given a closer look and they are selected. The training. And then the people who join us, the men who join us, they are motivated to serve the country. They are different from the normal people. True. Apart from that, we take care of their welfare. They're given leave liberally as per the leave plan which they want. And then, they're given very good and best of food. Some recreation is also available. TVs are there and games are played. The officers and men, they stay together, even in the BOP. And that is a great motivator for the men. And where the officers lead from the front, the men are always with them. जैसे ही सूर्यास्त होता है, अंधेरा उतर आता है, पर आंतरिक निरीक्षण कभी अंत नहीं होता। कांटीले तार का बेड़ा जमीन की रक्षा करता है, पर उस नदी की नहीं, जो भारत बांग्लादेश को बांटता है। जवान कदाचित अपने गार्ड नहीं खोते। पानी अभी भी गहराई से बह रहा है। दुश्मन अंधेरे का फायदा उठा सकता है। गौ तस्करी और बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ नदी के जरिए ही होती है। नदी के रास्ते गौ तस्करी के लिए अक्सर तस्कर केले के पेड़ का ट्रंक बनाते हैं और गाय के चारों ओर बांध देते हैं और उसके बाद गाय को नदी में बहा दिया जाता है। इससे गाय डूबती नहीं। जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करता है, गायों को पानी से बाहर खींच लिया जाता है। रात की गश्ती शुरू हो चुकी है। अंधेरी रात में कांटीले तार का बेड़ा, जो बाएं साइड में है, दाहिनी ओर है खुला मैदान। गश्ती दल आगे बढ़ रहा है। मेंढकों का टटराना जारी है। आकाश में तारे चमक रहे हैं। घोर अंधेरे में फेंस के उस पार एकमात्र टॉर्च लाइट की रोशनी पड़ रही है। फ्लडलाइट की व्यवस्था तो है, पर यह जनरेटर पर निर्भर करता है। जैसा अभी आप यहां देख रहे हैं, जवान फेंसिंग की चेकिंग कर रहे हैं, कहीं फेंसिंग को काटा तो नहीं गया है। चप्पे चप्पे की जांच हो रही है। अब तक सब कुछ नॉर्मल है, पर जांच जारी रहती है। कोई भी जोखिम नहीं उठाया जा सकता। हमने जब बॉर्डर आउटपोस्ट से चलना शुरू किया था, गश्ती दल दो भागों में विभाजित हो गया था। हम दाहिनी ओर जाने वाले दल के साथ हैं। दल को बांटने का कार्य स्ट्रैटेजी के तहत होता है। एक जवान ने हमसे पूछा, हम यहां क्यों आए हैं। हमने अपना उद्देश्य बताया, सैनिकों के जीवन पर आधारित कार्यक्रम के बारे में। उसने सर हिलाया जैसे वो समझ गया हो, पर मुझे नहीं लगता वो हमसे जुड़ पा रहा है। वो नाइट पेट्रोलिंग को सिर्फ कर्तव्य की तरह देखता है, जैसे आम ड्यूटी हो। उसे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि वो कितने महत्वपूर्ण कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी ड्यूटी दिन प्रतिदिन किए जा रहा है, पर इतना जानता है कि वो अपनी ड्यूटी देश के लिए निभा रहा है। फ्लडलाइट जल उठी है। इलाके में हल्का प्रकाश फैल गया है। हमने साथ साथ गश्ती खत्म की। जैसे ही नाइट विजन डिवाइस उसके हाथों में आता है, वो फेंस के उस पार बांग्लादेश के बारे में बताना शुरू कर देता है। हमारे हीरो तक थक चुके हैं। लगातार चला है हमने।
सुबह 5 बजे उन्हें उठना है और फिर शुरू करनी है गश्ती। किलो टोकर सिर्फ रे वो सिर्फ रे वो रिपोर्ट ओवर। अल्फा टेंगो 4 सिर्फ रे वो सिर्फ रे वो रिपोर्ट ओवर। सर किलो बगल की तरफ कोई हैकर नजर आ रहा है सर। ओवर। बीएसएफ आउटपोस्ट को नदी में हलचल की सूचना मिली है। गोमाघाट बीपीओ के कंपनी कमांडर सुभाष पुरोहित ने सबको अलर्ट कर दिया है। घोर अंधेरे में नदी पथ पर ऑपरेशन के लिए गश्ती दल अपनी पूरी तैयारी के साथ निकल गई है। Night river patrolling is one of the most crucial and vital roles of the border security forces to ensure the safety of the international borders. As you can see, it's very late at night and we are at the banks of Jadukata river where an incident has just occurred. अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रूप्स ने एक शानदार मिशन एकॉम्प्लिश किया और इसी बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अभी सुशील पुरोहित जो कंपनी कमांडर ऑन द इंटरनेशनल इंडियन बॉर्डर। स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जब आप पेट्रोलिंग करते हैं किस तरह के थ्रेट्स और स्पेशली रात के टाइम पे किस तरह के थ्रेट्स आप महसूस करते हैं या आप एक्सपीरियंस करते हैं और वो उसको आप किस तरह से डील करते हैं? जनरली हमारे इस एरिया में रात के टाइम में क्योंकि ये पोरस बॉर्डर है तो कई बार बांग्लादेश से अथवा जो काउंटर पार्ट है वहाँ से लोग जो है बोट में बैठ के हमारे एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं। दूसरा इस एरिया से कैटल स्मगलिंग और दूसरे टाइप की स्मगलिंग का भी थ्रेट बना रहता है। तो हमारे पास में HSTI है जो हमने विंटेज पॉइंट पर माउंट कर रखा है। उस HSTI से हमारे पूरे इलाके की जो हरकत होती है रात के टाइम में वो अच्छे से इल्यूमिनेट होती है, हमें वहाँ से हम उसको अच्छे से देख पाते हैं। तो अगर कोई हरकत होती है जैसे कि आज ये हुए है तो HSTI पे जो जवान रहता है वो तुरंत एक QRT हमारे पास रेडी रहती है, उस QRT को इंटीमेट करती है। QRT जैसे ही खबर मिलने पे तुरंत एक्शन लेकर के जो हरकत है जहाँ पे है उस जगह जा कर के ऑपरेशन को अंजाम देती है। दल बॉर्डर आउटपोस्ट में लौट आई है।
जादुकाटा नदी जो रात भर अस्थिर रही है अब पुराने रंगत में लौट आई है। मिशन पूरा हो जाने की संतुष्टि जवानों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। अपने अधिकारियों के नेतृत्व में गौ तस्करों के 6 बार की कोशिश को नाकाम किया जवानों ने। हमारे जवानों को धन्यवाद। यहां ऐसी हरकतें जारी रहती है, गश्ती चलती रहती है, यात्रा आगे बढ़ती रहती है। अदम्य शक्ति, युद्ध जीतने की मानसिकता आदि लाइट ब्रिगेड की पहचान होती है। बीएसएफ के जवान अंतिम सांस तक इसी जज्बे के साथ जीते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कर्तव्यरत जवान हमेशा ड्यूटी से लौटकर नहीं आ पाते। मेघालय के शिलोंग स्थित फ्रंटियर हेडक्वार्टर का वॉर मेमोरियल गवाह है बीएसएफ जवानों की शहादत का। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान, भारत पाक युद्ध के दौरान बीएसएफ ने अग्रिम पंक्ति में खड़ी होकर वीरता का परिचय दिया था। 1971 के बीएसएफ शहीदों की याद में कालीपाड़ा में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश स्मारक बनाया गया। पार की लड़ाई में 9 बीएसएफ जवान वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सिर्फ 9 जवानों ने दालू तुरार रोड पर अंतिम सांस तक पाकिस्तानी सैनिकों को रोके रखा था। इन द ईयर 1971 द पाकिस्तान आर्मी अनलीस्ड ऑन द बंगाली citizens of their own country, massacred a lot of them, and some of them fled and came into India. And India, as you know, is a very kind-hearted country, and some of these refugees were staying close to Kilapara, just behind the IB. So the Pakistan army came in search of them to massacre them, and then they bumped into the BOP Kilapara, and our men, a small number, withstood this onslaught of 2 companies, which is as much as 20 times more in force than they were, fought very hard and very well, but then 9 of them were killed. And their names are written in golden letters today, and subsequently the BOP was again reinforced, and Kilapara is an example which the BSF has set in defending our homeland. अखंडता में एकता भारत की पहचान है, इसके जैसा न दूजा कोई, माँ हमारी शान है। इस शान की रक्षा करते हमारे सैनिक भाई हैं, सर पर बांधे कफन, ये उनके जीवन का अभियान है। शत शत नमन उनको जो देते ये बलिदान है, और कुछ न सही तो जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। Well, viewers, after a long hectic schedule, our jawans are still fresh and they are ready to have fun. So come, let's join them. What's it, Pratik? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि फन की तो सबको जरूरत है, और हमारे जो जवान भाई है वो तो फन करने में एक नंबर है। क्यों सर, एक गाना हो जाए? जी बिल्कुल, कौन गाएगा सबसे पहले, कौन शुरू करेगा? बिल्कुल सर। तड़पाते हैं, पूछे जाते हैं, किधर कब आओगे, किधर कब आओगे।
जैसे कि अभी आपने सुना, बहुत ही खूबसूरत गाना था, संदेश से आते हैं हमें तरपाते हैं। मैं अभी किसी और से जानना चाहूँगा, आप लोग सब साथ में रहते हो, मस्ती मजाक करते हो, पूरा दिन ट्रेनिंग करते हो, फिर आप लोग ऑपरेशंस में जाते हो, कहीं कोई ऐसा है जो चुटकुला सबसे अच्छा बोलता है और जो सबको हंसाता है, ऐसा कोई है यहाँ पे? पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर के तिरुंजान संबंध पिल्लई, हम तमिलनाडु से बोल रहे हैं। मेरा पिल्ले नाम से सब कुछ जानता है। हम बोलने का इतना आता नहीं सर हिंदी में, फिर भी हम बोलने वक्त कुछ गलत हो गया तो माफ़ी पहले मांग लेते हैं। जीवन में बंदा हमेशा हर तरफ का तकलीफ मांगता है, कई किस्म का है, लेकिन ये चुटकुला तौर पर सिर्फ दो किस्म का मैं चुनना चाहता हूँ। आदमी जिंदा रहेगा तो नो प्रॉब्लम, मर गया तो दो प्रॉब्लम। मट्टी के अंदर रखना क्या, आग दबाना। आग लग गया तो नो प्रॉब्लम, मट्टी के अंदर दबा दे तो दो प्रॉब्लम। घास उसमें आएगा नहीं आएगा, घास नहीं आए तो नो प्रॉब्लम, घास आ गया तो दो प्रॉब्लम। गाय उसका गाएगा नहीं गाएगा, गाय नहीं गाए तो नो प्रॉब्लम, गा लिया तो दो प्रॉब्लम। वो दूध देगा नहीं देगा, वो दूध नहीं देने से नो प्रॉब्लम, दे दिया तो दो प्रॉब्लम। वो आदमी पिएगा नहीं पिएगा, आदमी नहीं पीने से नो प्रॉब्लम, पी लिया तो दो प्रॉब्लम। आदमी जिंदा रहेगा कि मरेगा, यही। And on that note, let's go to a very special person who is with us today. And in this beautiful evening, I would like to know her experiences, because she is a lady Jawan and she is with us, and I would want to know from her about her experiences. Good evening, ma'am. Good and evening. It's amazing to have you with us. And I would like to know that you joined the BSF. Apne jab joined kiya, to aapke aas paas, yani aapke family walo ka kya reaction tha? और आपके मन में क्या चल रहा था? वेल आई वुड लाइक टू से दैट आई वाज वेरी मच यू नो आई वाज ड्रीमिंग ऑफ लाइक यस आई वांट टू बी इन डिफेंस एनीथिंग दैट वाज माय ड्रीम एंड माय रोल मॉडल वाज माय फादर बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ आल्सो इन यू नो डिफेंस सो लाइक आई वाज वेरी मच हैप्पी टू जॉइन एंड आफ्टर जॉइनिंग BSF आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई हैव लर्न मैनी थिंग्स After joining the BSF, this it's a department which teaches so many things and how to survive in a critical condition also. And here it's so much of cooperation, it's family, you know, if something happened before it was not there, but this like slowly it's all female, you know, persons are getting into this. Because we have taken such a challenge. For us, it's a challenge, you know. Because for male, it was a very huge group for them. And now we have also joined. So they are very cooperative. Everything is fine. And I really appreciate it. So I would just like to say this much only. All right. I'm very happy to be in BSF. Wonderful. Or ek chota sa sawal. Yeah, sure. Bahut sare young jo यंगस्टर्स है, बहुत सारी यंग जो लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज आज इस प्लेटफॉर्म में देना चाहेंगे? फीमेल्स आर ऑल्सो यू नो दे कैन टेक दिस चैलेंज, दे हैव द पावर, वी आर नॉट लेस देन बॉयज, वी ऑल्सो वी कैन डू वट एवर दे डू। थैंक यू मैम। और इसी के साथ, जैसे कि आपने देखा, पहले हमने गाना बजाना तो बहुत कर लिया है, अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नाचना भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मेरे जवान भाई बोल रहे थे कि आज तो हम नाचेंगे, तो और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सही माध्यम है कि आज हम और थोड़ी मस्ती करें, क्यों? चलो थोड़ा गाना हो जाए और थोड़ा सा मस्ती हो जाए, थोड़ा सा डांस हो जाए।